गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नई रंगोली पाठ्यपुस्तक के पाठ 6 अंधेर नगरी चौपट राजा कहानी पढ़ेंगे। अपनी बात में देखिए, सभी जानवरों और मनुष्य के पास बुद्धि है, फिर भी मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। सभी जानवरों मनुष्य के पास बुद्धि है और अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं, फिर भी मनुष्य जो है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। सोच विचार का कार्य करना विवेक कहलाता है। किसी भी कार्य को सोच विचार कर करने ही क्या कहलाता है, विवेक करना कहलाता है। और मनुष्य के पास ही वह विवेक है जो उसे सबसे अलग बनाता है। तो आइए देखें कहानी में आगे क्या है। पिताजी अभी अभी दरबार से लौटे ही थे कि मुनिया झट उनकी गोद में चढ़ गई और बोली, पिताजी कहानी सुनाओ। पिताजी, मुनिया के पिताजी अभी अभी दरबार से ही लौटे थे, तभी उनकी बेटी जो मुनिया है उनके गोद में चढ़ गई और बोली, पिताजी कहानी सुनाओ। तो पिताजी उनके कहते हैं, कहानी तो तुम रोज़ ही अपनी माँ से सुनती हो। पिताजी ने कहा, तो कहती है, नहीं पिताजी, आज आप कहानी सुनाओ, यानी आज आप सुनाओ, माँ तो बस जब देखो तब परियों की ही कहानी सुनाती है। मुनिया मचल उठी। मुनिया जो है जिद करने लगी कि मुझे आपसे ही कहानी सुनना है, मैं माँ से कहानी नहीं सुनूंगी। तो फिर तुम्हें किसकी कहानी सुनी है? पिताजी ने उसे पलंग पर बिठाते हुए पूछा। पिताजी जो है मुनिया को गोद में उठाए और पलंग पर बिठाते हुए पूछे कि आज तुम्हें किसकी कहानी सुननी है। तो मुनिया कहती है, राजा की कहानी। पिताजी बोले, मुझे कहा राजा की कहानी सुनिए, आप तो रोज़ दरबार जाया करते हैं, आपको तो राजा की कहानी आती ही होगी, मुनिया ने मुंह बनाते हुए कहा। पिताजी अचकन उतारते हुए बोले, अचकन अर्थात एक लंबा कोट होता है, लंबा बंद गले का कोट, उन्हें उतारते हुए कहा, हाँ मुनिया, राजा की कहानी तो खूब आती है, चलो छत पर चलो, वहीं तुम्हें कहानी सुनाते हैं। बोल रहे हैं कि चलो छत पर चलते हैं, वहीं पर आराम से बैठ के तुम्हें कहानी सुनाते हैं। दोनों छत पर जाकर चांद सितारों की छांव में बैठ गए, है ना, वो मतलब खुले आसमान के नीचे बैठ गए। पिताजी ने कुछ याद करते हुए कहानी सुनानी शुरू की, कुछ याद किया और कहानी सुनाना आरम्भ किया। कहानी बता रहे हैं और सुना रहे हैं। बात बहुत पुरानी है, एक गुरु और उसके साथ कुछ चेले तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वे थक गए तो एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक गए। सभी को भूख भी बहुत लग गई थी। गुरु ने एक चेले को बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा, यानी चलते चलते बहुत थक गए उन्हें, तब और भूख भी लग गई थी, तब वो एक जगह विश्राम यानी आराम करने के लिए रुक गए और एक चेले को बाज़ार से इसको सामान लाने के लिए भेजा और बाकी चेले खाना बनाने की तैयारी करने में लगे। कोई लकड़ी बीन कर लाया तो किसी ने ईंटों का चूल्हा तैयार किया। अब सभी सामान आने का इंतज़ार करने लगे। सभी तैयारियां हो गई थी, बस सामान आने का इंतज़ार था, कब सामान आया और खाना भोजन बनाना आरंभ करे। सभी इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में चेला बदहवास हालत में दौड़ता वापस आया। बदहवास यानी बौखलाया हुआ, ठीक है, एकदम बौखलाया हुआ, जैसे तैसे दौड़ता हुआ वापस आया और हाँपते उसने बताया, गुरुजी यह नगर तो बड़ा ही अजीब है। अजीब यानी अनोखा। यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा है, सन्नाटा यानी चुप्पी, निरवता, जहाँ कोई दिखाई नहीं दे, चारों ओर सन्नाटा है, सारे बाजार चौक गलियाँ और रास्ते खाली पड़े हैं, दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। चेले की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, यानी कि दिन का वक्त है और कोई नगर में दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो अचरज की बात हो गई। तो सभी हैरान हो गए, सोचने लगे कि यह कैसा नगर है,
जहाँ दिन में कोई दिखाई नहीं देता। तभी उन्हें वहाँ से जाता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। पूछने पर उसने बताया कि यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। गुरुजी ने कुछ सोचते हुए आदेश दिया, यहाँ हमें एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। गुरुजी कुछ सोचने लगे और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि हमें यहाँ एक क्षण क्षण यानी एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, यहाँ सब उल्टा पुल्टा है, अतः यह मूर्खों की नगरी है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। पर सारे चेले इतने थके हुए थे कि वहाँ से हिलना तक नहीं चाहते थे। वो लोग इतने चलते चलते थक गए थे कि उस जगह से वो लोग अब हिलना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि आज यहीं पे आराम किया जाए। आखिर में यह तय हुआ कि कल भोर होते ही सब वहाँ से निकल चलेंगे, है ना। सब यह तय कर सब ने यह तय किया कि आज यहीं रुकते हैं और कल सुबह होते ही वहाँ से निकल चलेंगे। रात होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई, यानी दिन के समय वहाँ सन्नाटा था, जैसे ही रात हुआ चहल पहल शुरू हो गया। गुरु के साथ चेले भी नगर घूमने निकल पड़े। सभी नगर में घूमने निकले कि देखें कैसा नगर है ये। वे सभी यह देखकर हैरान हो गए कि वहाँ अभी कुछ सभी कुछ एक टके में मिलता है, चाहे रबड़ी हो चाहे बादाम, सभी माल एक टके में, चांदी का कंगन भी एक टके में, तो पूरी भाजी भी एक टके में, हर सामान वहाँ एक टके में ही मिलता था। चेले में से एक चेला था कल्लू। कल्लू को यह सब देखकर खुशी से फूला ना समाया, मतलब उसे बहुत तो बहुत खुशी हुआ कि यहाँ तो हर चीज़ एक टके में मिलता है। बहुत खुश हुआ और बोला, गुरुजी अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस हम यहाँ हम सब यहीं रह जाते हैं, तपस्या का फल तो हमें मिल ही गया है। वाह भाई क्या बात है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, बोल रहा है कि गुरुजी अब हमें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें हर चीज़ टके शेर में मिल जा रहा है, तो अब हमें कहीं और जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब हम यहीं पर रहते हैं। तो पर गुरु समझ गए और बोले, नहीं बेटा, यह तो अंधेर नगरी है, यहाँ का राजा ही चौपट है, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। लेकिन कल्लू जिद पर ही अड़ा रहा। कल्लू ने कहा कि नहीं मैं यहीं पर रहूँगा, वह जिद पर अड़ा रहा। गुरु जी जानते थे कि कल्लू पर कोई विपत्ति आ सकती है, विपत्ति यानी मुसीबत। उनको पता था कि यह नगरी में उनके शिष्य पर कल्लू पर कोई विपत्ति आ सकती है, सो वह बाकी चेलों को आगे भेजकर स्वयं वहीं रुक गए। बाकी चेलों को आगे भेज दिया कि यहाँ से तुम लोग आगे बढ़ो चलो, और स्वयं कल्लू के साथ वहीं रुक गए। अब तो कल्लू दिन भर खा खा कर मोटा होता गया, मतलब हर चीज़ टके शेर में मिलता तो वो पेट भर कर खाता और इस तरह से दिन पर दिन मोटा होता चला गया। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। फांसी का दिन भी आ गया, पर तभी जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है। जल्लाद यानी जो राजा के आदेश से जो जिस व्यक्ति को दंड दिया है दंड मिला है जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है उसे फांसी देने वाला वो कर्मचारी को जल्लाद कहते हैं। तो जल्लाद ने देखा कि फांसी देने के लिए जो फंदा बनाया गया है वो क्या हुआ है, बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन पतली है। राजा चिंतित हो उठा, फांसी तो आज ही देनी है, यानी उन्होंने तय कर चुका था कि आज ही फांसी दिया जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, जो फांसी का फंदा बनाया गया वो तो बड़ा निकल गया और चोर की गर्दन पतली है, तो अब फांसी की सजा जो दिया गया है वो पूरा कैसे होगा, फांसी तो आज ही देनी पड़ेगी, अब क्या हो। राजा ने आदेश दिया कि वह नगर की परंपरा नहीं तोड़ सकते, अतः फांसी के अनुसार जिस व्यक्ति की गर्दन ठीक बैठे उसे ही पकड़ कर लाया जाए, यानी इस फंदे पर जिस व्यक्ति का गर्दन सही से बैठ जाए
उसे ही पकड़ के लाया जाए और उसे फांसी दे दिया जाए और इस चोर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसकी गर्दन पतली है और फांसी के फंदे में ये सही नहीं बैठ रहा है। तो अब क्या था, सब मोटे ताजे व्यक्ति को ढूंढने लगे। देखते ही देखते राजा के सैनिक गली गली में फैल गए और एक मोटे आदमी की तलाश करने लगे। ढूंढते ढूंढते संयोग से चेला सामने आ गया, बस सैनिक उसे ही पकड़ लाया, क्योंकि चेला तो वहाँ दिन पर दिन खा खा कर मोटा होता चला गया था, मोटा हो गया था तो उसकी गर्दन भी मोटी हो गई थी। अब सैनिकों ने उसे पकड़ लिया कि इसे ही फांसी दिया जाए, यह फांसी के फंदे पे सही बैठेगा। तो चेला राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मुझे छोड़ दे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है ना। वो चेला जो है गिड़गिड़ाने लगा राजा के सामने कि हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हैं, इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा। पर उसकी एक ना चली, गुरु जी को खबर मिली तो वे दौड़े दौड़े आए। गुरु जी ने सैनिकों से कहा, छोड़ दो इसे, यदि तुम इससे पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। मुँह मांगा यानी जो भी तुम मांगोगे वो मैं इनाम दूंगा, मेरे इस चेले से पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। तो सैनिक गुरु की बात सुनकर हैरान हो गए कि ये क्यों फांसी पर चढ़ना चाह रहे हैं, वे लोग हैरान हो गए। गुरु जी ने उन्हें बताया कि एक महान ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि इस मुहूर्त में सब फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अगले जन्म में इस नगर का राजा बनेगा और उसके बाद मरने वाला मंत्री बनेगा, है ना। जब सैनिकों ने पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हैं, आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस मुहूर्त पर जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में इस नगर का राजा बनेगा और इसके बाद जो चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। तो सैनिकों में हड़बड़ी मच गई, यह बात सुनते ही हड़बड़ी मच गई कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और अगले जन्म में इस नगर का राजा बनूंगा। सभी के मन में राजा बनने की इच्छा बुलबुलाने लगी। गुरु जी को हटाकर सब आगे आगे आने लगे, शोरगुल और धक्का मुक्की होने लगी, सब फांसी पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। उड़ती उड़ती खबर राजा तक जा पहुंची। तो राजा ने मन ही मन सोचा कि वह ही क्यों न फांसी पर चढ़ जाए ताकि अगले जन्म में वे फिर से इस नगर के राजा बन जाए। तो राजा ने कड़क कर कहा, यदि इस मुहूर्त में ऐसा ही होना है तो सबसे पहले यह अधिकार राजा का है, फिर किसी और का। गुरु चेला फांसी पर चढ़ने के लिए जिद करते रहे पर उनकी एक ना सुनी गई। पहले राजा फांसी पर चढ़ा, फिर उसके दरबारी, है ना, उनको हटा दिया गया, गुरु और चेले को हटा दिया गया। पहले राजा फांसी पर चढ़ गया, उसके बाद उसके दरबारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ ही पल बाद गुरु ने ऐलान किया, अब शुभ मुहूर्त बीत गया है, यानी अब जो मुहूर्त था शुभ मुहूर्त वो बीत गया है, आप फांसी पर किसी को ना चढ़ाया जाए क्योंकि अब इसका कोई फल नहीं होगा। तो उन्होंने ऐलान किया कि अब यह शुभ मुहूर्त बीत गया है। गुरु का ऐलान सुनते ही यह सिलसिला समाप्त कर दिया गया, फांसी पर चढ़ने का सिलसिला जो है समाप्त कर दिया गया। मौका देखते ही गुरु जी अपने चेले को नगर से निकाल कर बाहर ले गए और बोले, देख लिया अंधे नगरी का मज़ा कि कैसा होता है, यहाँ हर चीज़ उल्टा ही होता है। चेला चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चलता गया। आज भी नगर के लोग अक्सर इस घटना को याद कर गाया करते हैं, अंधे नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। यानी अंधे नगरी है, उसका राजा चौपट है, यहाँ हर चीज़ टके सर भाजी भी टके से ही मिलती है और खाजा भी टके से ही मिलता है। तो बच्चों आपको कहानी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।